जैसे कि वेस्ट बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया, लेकिन नॉर्थ बंगाल से लोग सिक्किम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, आसाम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, बस भर के। सर, आज की तरफ से ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही वार्म वेलकम मिल रहा है, अंदर जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आज यहाँ बज रही है, कहना चाहेंगे इस केरला स्टोरी को, बहुत सारी बातें इंटरनेशनल लेवल तक ये सारी चीज़ें गई हैं, केरला स्टोरी बहुत सारी बातें, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हिंदू जागरण मंच है उन्होंने इस फिल्म को बहुत बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया, बहुत सारे शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए, बहुत सारे लड़कियों को, औरतों को इस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित भी किया, दिखाई भी, तो हम भी उनके साथ उनके सपोर्ट की वजह से हम उनके शुक्रगुजार हैं, और हम आज उनके साथ इस शो में सहभागी होने आए हैं, ताकि उन्होंने जो हमारी फिल्म को सपोर्ट किया उसके साथ साथ हम भी उनका धन्यवाद कर सकें। और जो उत्साह आप आज अंदर थिएटर में देख रहे हैं, ये पिछले 4 हफ्ते से हम देश भर में देख रहे हैं, लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज़बरदस्त प्यार और बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया है, तो हम इसके लिए पूरे देश के उन सारे प्रेक्षकों के बहुत बहुत आभारी। ये इट्स नॉट अबाउट मी, जो काम किया है तीनों भारतीयों ने किया है, इट्स ऑल अबाउट देम, दे हैव थॉट अबाउट इट, टेकन इट फॉरवर्ड, कुछ सीखने को मिलता है। आज ये टॉपिक्स इतने सेंसिटिव हैं, अगर इनको आगे लेके नहीं दिया जाए, रिजेक्ट करके दिखाया नहीं जाए, आवाम तक पहुँचेगा ही नहीं कुछ चीज़। बीच में मैं अभी पढ़ रहा था दादा, 2 दिन पहले, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अनुराग जी, उन्होंने कुछ कहा इसके बारे में, तो इट्स सो ईजी टू टॉक समथिंग नेगेटिव, बट हकीकत जो है वो अपने सामने है। इट्स अ टॉपिक विच रिक्वायर्ड अटेंशन, एंड थैंक्स टू उर्वुल भाई, इन्होंने इस चीज़ को आगे लेके पूरी तरीके से पढ़े इसमें। देखिए, बात यह है कि हमारे पास सोशल मीडिया में, मीडिया के थ्रू और अलग अलग माध्यम से खबर आता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया, लेकिन नॉर्थ बंगाल से लोग सिक्किम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, आसाम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, बस भर के, और इसमें आम लोग अपने पैसा इकट्ठा करके 3-3 घंटा बस जर्नी करके जा रहे हैं, वहाँ पे रात की शो देखने के बाद होटल में रह के आ रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा हम शायद और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो खिलवाड़ चल रहा था हमारी देश की बच्चियों के साथ, ये एक्सपोज्ड होने के बाद कुछ लोग हमारे ऊपर खफा है, कुछ लोग मेरी आंखों का कीमत लगाया, कुछ लोग विपुल जी को रास्ते में फांसी में टांगने के लिए बोला है, तो हमें लगता है कि कुछ अच्छे काम किए हैं हमने, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे कि विपुल सर ने बोला, अभी तक हमारे हिसाब से 5 से 7 करोड़ लोग फिल्म देख चुके हैं, मतलब 5 से 7 करोड़ आशीर्वाद, 5 से 7 करोड़ प्यार हमारे पास है, तो ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। हमें लगता है कि हम ये लड़ाई को लड़ते जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी देश की मुद्दा नहीं है, ये पूरे दुनिया की मुद्दा है, और पहले बार हमारी देश के ये जो दुनिया भर में जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा था, हम सही मायने में उनकी शामिल हुए, सो जिम्मेदारी भी आए हमारे पास। आइए, थैंक यू।